यह है नीमच के शोरूम चौराहे स्थित ऑटो रिक्शा स्टैंड का दृश्य। यहाँ पर आज ऑटो आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये ऑटो तो यातायात पुलिस थाना नीमच में खड़े हुए हैं और ये स्टैंड वीरान पड़ा है। सिर्फ यात्री खड़े इंतजार कर रहे हैं ऑटो रिक्शा का या अपने रिश्तेदार के आने का। आज ऑटो रिक्शा चालक भी इकट्ठे होकर सुबह 11-12 बजे के लगभग यहाँ पर यातायात थाने में पहुँचे। कोई गुहार लगा रहा था तो कोई जुगाड़ लगा रहा था। किसी की जुगाड़ और गुहार तो रात को ही लग चुकी थी एक दिन पहले, जो अपना ऑटो छुड़ा के ले जाने की बातें सामने आई। ऐसे कई आरोप प्रत्यारोपों का दौर इन ऑटो रिक्शा चालकों के बीच चल रहा था। हमें भी कहा कि आप हमारी न्यूज़ कवरेज करें, तो हमने इसे भी न्यूज़ कवरेज करी और आपको ये दृश्य दिखाए किस तरह ये नंबर देख सकते हैं ऑटो रिक्शाओं के। आखिर ये इतने समय से बगैर परमिट बगैर फिटनेस के चल रहे थे, तो एकदम एकाएक क्या हो गया अचानक कि ये सब एक साथ खड़े हो गए थानों में। अब इन्हें छोड़े जाने पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये न्यायालय के माध्यम से छूट रहे हैं या किसी अन्य कारणों से? सूचना का अधिकार में ही जानकारी स्पष्ट हो पाएगी कि कितने ऑटो पकड़े थे कुल, उनके क्या नंबर थे और कितने ऑटो न्यायालय के चालानी कार्रवाई पूरी होने और अन्य कारणों से छूट गए। अब यह तो सब बाद में ही मालूम पड़ेगा, लेकिन क्या दृश्य है ये हम आप भी देखिए और सुनिए क्या हालात रहे। क्या परेशान है, क्या तकलीफ है आपकी? आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, आपका हाथ और पैर दोनों टूटा हुआ है, तो भी आपके ऑटो यहाँ जब्त है? मेरी जेब तो नहीं, मेरी घर पे खड़ी हुई बाकी है, ये चलाने नहीं दे रहा गाड़ी। अच्छा मैडम, चलाने नहीं दे रही गाड़ी, अगर चलाऊँ तो मेरी गाड़ी पकड़ लेगा। कौन सी मैडम? आरटीओ मैडम। अच्छा, कब से पकड़ रही है? 5-6 दिन होगा सर। तो सुना आपने, ये बोल रहे हैं इनका एक हाथ और एक पैर टूटा है, तो ये कैसे ऑटो चल रहे हैं सबसे बड़ा सवाल इतने समय से, लेकिन आज इनका ऑटो घर पर ही खड़ा है। तो मेरा फिटनेस, हम दोनों का फिटनेस 7 दिन से हो गया है, 24 घंटे में इनको फिटनेस देने का है। हमको 7 दिन हो गए और हमको जो हमारी गाड़ी भगा भगा कर जब्त की जा रही है। फोन कर रहा है ये जब्त आरटीओ? अधिकारी का फोन लग गया, उसकी गाड़ी तो काफ़ी समय बाद ऐसी बड़ी कार्रवाई ऑटो रिक्शा चालकों पर शहर में देखने को मिली है। कई समय से शिकायतें रहती थी कि बिना फिटनेस बिना परमिट के ऑटो रिक्शा दौड़ रहे हैं, लेकिन जब कार्रवाई हुई तो बड़े पैमाने पर हुई, जिससे यात्री तो परेशान हो रहे हैं लेकिन परेशानी तो ऑटो चालकों की भी हो गई है। पर देखना है कि कितनी सख्ती के साथ अब इसमें कानून के अनुसार नियम अनुसार कार्रवाइयाँ होगी और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। वैसे कितने ऑटो जब्त हुए इसकी संख्या भी बताना पाना मुश्किल है, ये तो सूचना के अधिकार की जानकारी में ही मालूम पड़ पाएगा। सूचना के अधिकार की जानकारी के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। संजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट।